हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जेटवाई ट्यूटोरियल्स में। आज हमारा फिजिक्स का 10वां लेक्चर है और आज हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हमने इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किया था, तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल हम करेंगे इस पे बेस्ड, तो हमारा कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। तो आज का सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड पे है और वो है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड डी और क्वेश्चन नंबर 2 है ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। तो पहले क्वेश्चन में हमें सी और डी के बीच में क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। मैंने पहले भी पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम एक बैटरी सोर्स लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सी और डी के पास थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके मैं एक बैटरी सोर्स लगा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आई करंट चलेगा, यहाँ पे आई इंटर होगा, दुबे सर थोड़ा रोकिए, प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से जो है हमारा आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जैसे ही आई करंट यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे उसको तीन रास्ते दिख रहे हैं, एक तो वो सीधे जा सकता है, एक तो सीधे जाएगा वो, दूसरा यहाँ पे और तीसरा इस साइड। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो ओपन है। अभी अगर हम सी और डी के पास आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या है, ये रेजिस्टेंस, ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है वो ओपन है, तो करंट का फ्लो इस साइड उस टाइम पे नहीं होगा, करंट का फ्लो इस वाले रेजिस्टेंस में नहीं होगा। तो करंट अब सिर्फ 2 डायरेक्शन में बटेगा, एक तो इधर और दूसरा इधर। तो आई यहाँ तक तो आ रहा था, यहाँ आने के बाद मान लो ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। अब देखिए I1 इधर चलेगा, इधर इधर, यहाँ पे भी I1 और यहाँ पे भी I1 और यहाँ पे क्या जा रहा है, I2। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर करंट सेम हो तो वो रेजिस्टेंस किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो अब मुझे इस तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको इस रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाना पड़ेगा। मैं फिर से इस सर्किट को रिड्रॉ करूँगा। तो 3, 3, 6 और 3, 9, यहाँ पे जो है इन तीनों रेजिस्टेंस के जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू होगा 9 ओम। यहाँ पे ये 3 ओम का ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे भी 3 ओम का ही रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट हमारा सी और ये पॉइंट डी है। ये क्लियर हो गया, चलिए एक स्टेप तो हमारा हो गया। अभी भी बैटरी कहाँ पर लगा हुआ है, अभी भी बैटरी पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में लगा हुआ है। तो करंट आई चला, यहाँ तक आई आया और यहाँ आने के बाद यहाँ पे बट गया वो I2 और यहाँ पे आ गया I1। अब देखिए यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं होगा इस वाले रेजिस्टेंस में क्योंकि ये ओपन है, तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। अब करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस डी पॉइंट से करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ये किस में है, तो ये पैरेलल में है।
और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होगा। तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, R1 R2 by R1 plus R2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 9 × 3 / 9 + 3 27/12 मीन्स 2.25। तो इस दोनों को रिप्लेस कर दो एक सिंगल रेजिस्टेंस से। मुझे पूछा था कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड डी, इस पॉइंट के पास सी एंड डी के पास आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 2.25। तो इसके अलोंग जो आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू 2.25। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2.25। इसको इस फिगर को फिर से मैं रिड्रॉ कर दूं तो ये फिगर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो सी और डी के पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमें मिल गया 2.25। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि ए एंड बी के पास आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ए और बी के पास मुझे यहाँ पे पूछा है, मैंने इस पूरे सर्किट को, इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई कर दिया है और इस पूरे का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, 2.25। अब ए और बी के पास पूछ रहा है तो मुझे यहां पे ही बैटरी सोर्स लगाना पड़ेगा या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां मैं लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से देखूंगा क्या हो रहा है यहां पे, क्या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर है। देखिए यहां पे, यहां से करंट चला आई, यहां पे आया आई, फिर यहाँ से आउट भी होगा आई, यहाँ से निकला आई, फिर यहाँ भी आई, फिर आई और फिर आई। मतलब इस पूरे सर्किट में कहीं भी करंट का डिवीज़न नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सिंपल कि ये सारा का सारा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में है। तो मुझे अब जब आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालना है तो मुझे सिंपली इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 3 + 2.25 + 3 = 8.25। तो आर इक्विवेलेंट ए बी के पास जो आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा 8.25। क्लियर, पहला का आंसर हो गया हमारा 2.25 और दूसरे का हो गया 8.25। ये क्लियर हो जाना चाहिए। जिस पॉइंट के अक्रॉस पूछेगा, जिस नोड के अक्रॉस पूछेगा, उसके पास मुझे एक सिंपल सा वोल्टेज सोर्स लगा देना है और उसके बाद देख लेना है कि करंट का डिवीज़न हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको हम पैरेलल की मदद से सॉल्व करेंगे और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको हम सीरीज़ की तरह डील करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज 4 ओम। हमारे पास एक फिगर है और फिगर में क्या क्या हमें गिवन है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम का, एक 8 ओम का, एक x ओम का और एक 5 ओम का। हमें इस x का वैल्यू निकालना है कब, जब हमारे पास आर इक्विवेलेंट जो है वो है 4 ओम। ए और बी के बीच का जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है, तो वो है 4 ओम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम होता है, मैंने पहले ही बता रखा है कि आप वोल्टेज सोर्स लगा लीजिए सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगा लिया। ये लगाने के बाद हमें एक आइडिया मिल जाता है कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है। आप पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला इस पर नहीं है। तो देखिए, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। अब यहाँ पे आते हैं,
यहाँ से आई करेंट ड्रॉ होगा, यहाँ आई, यहाँ पे क्या पहुँचेगा आई। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जैसे ही वो इस नोड पे आएगा यहाँ के बाद करेंट डिवाइड हो जाएगा आई वन और आई टू के फॉर्म में। अब आई टू यहाँ भी आई टू होगा और यहाँ भी आई टू होगा। आई वन चला यहाँ पे आई वन और यहाँ पे भी क्या होगा आई वन, फिर आई वन यहाँ तक आएगा और फिर आई टू यहाँ पे आएगा और जब यहाँ से बाहर होगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, फिर से आई के फॉर्म में आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि यहाँ पे करंट का डिवीज़न हो रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो पहले मुझे दिख रहा है कि ये 8 ओम और 4 ओम ये दोनों का दोनों किस में है, ये दोनों का दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज में हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा और इन दोनों का अगर मैं आर की वैलेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, वो आएगा 12 ओम। मैं इस सर्किट को फिर से रिड्रॉ कर दे रहा हूं। यहां पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 12 ओम और वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, वो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट है क्योंकि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। अब वही काम मैं यहां भी करने वाला हूं। मुझे दिख रहा है कि यहां भी I2 करंट फ्लो कर रहा है और यहां भी I2 करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये दोनों का दोनों जो रजिस्टर है वो किसमें है, वो सीरीज में है। तो मैं इन दोनों को भी सॉल्व कर दे रहा हूं और मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, मुझे यहां पे मिल जाएगा 5+x। क्लियर है। और यहां पे ये है आपका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, अब दो रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में दिख रहे हैं आपको, तो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट है वो हमें गिवन है, वो कितना है, वो है 4 ओम। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, R1 R2 by R1 plus R2। हमारे पास R इक्विवेलेंट गिवन है 4 ओम इक्वल टू R1 R2, तो 12 × 5+x, हमको x का ही वैल्यू निकालना है। और यहाँ से क्या होगा, 12 + 5+x, सॉल्व कर देते हैं इसको, 4 ओम इक्वल टू 60+12x by 17+x, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 4 17+x इक्वल टू 60+12x 68+4x इक्वल टू 60+12x। क्लियर है, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इन दोनों को एक साइड ले लेते हैं तो 68 - 60 इक्वल टू, इसको इधर लेके आता हूँ राइट हैंड साइड में, तो 12x - 4x, यहाँ से आपका आ जाएगा 8 इक्वल टू 8x। इसको सॉल्व करो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8x = 8, ताकि आपको देखने में सीधा लगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/8, x = 1। तो हमारे पास जो है वो x का वैल्यू क्या आ गया, हमारे पास जो है वो x का वैल्यू आ गया 1। क्लियर है। मुझे यही निकालना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ r इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b इज 4 ओम। x का वो वैल्यू निकालिए जिससे कि जो r इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाए, वो 4 ओम आ जाए। अब हमारे पास ये वैल्यू निकल गया x का 1 ओम। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो वैल्यू आया है वो सही है कि नहीं। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट r इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b। आपके पास फिगर गिवन है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक मिनट या दो मिनट में इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए,
मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है इस पॉइंट के बीच में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स लगा लूँगा, तो यहाँ से मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। अब वोल्टेज सोर्स लगाने के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ से आई करेंट चला होगा, यहाँ आई आया होगा, लेकिन जैसे ही आई इस पॉइंट पे आया होगा यहाँ पे करेंट डिवाइड होगा, कुछ पार्ट यहाँ पे चला जाएगा, मैं इसको मान लेता हूँ आई वन, कुछ पार्ट यहाँ पे चला गया आई टू, और कुछ यहाँ पे चला गया। क्लियर है, करेंट यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए आई टू चला यहाँ से, चला चला चला, यहाँ से आई टू आउट हुआ, फिर यहाँ आई टू इन किया, फिर यहाँ भी I2, तो I2 इस रेजिस्टेंस के पास भी क्या करंट फ्लो कर रहा है I2, और इसके पास भी क्या फ्लो कर रहा है I2, तो ये दोनों किस में है, ये दोनों आपका सीरीज में है, और सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज में हम सिंपली उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं अगर चाहूँ तो एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू 5 ओम हो उससे रिप्लेस कर सकता हूँ। क्लियर, तो इन दोनों के लिए मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा 5 ओम का। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे I2 इंटर किया और चुपचाप से वो बेचारा यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे आके फिर से मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे I3 इंटर किया 6 ओम में, फिर यहाँ से I3 आउट होगा, फिर यहाँ पे I3 इन होगा, और फिर यहाँ से I3 आउट होगा, मतलब सब कुछ सारा जो है I1, I2 और I3 वो आके यहाँ पे आके मीट करेगा, मिलेगा, और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि I3 इस 6 ओम में भी है और I3 इस 4 ओम में भी है, मतलब ये दोनों किस में है, फिर से सीरीज में है, और इन दोनों की जगह पे मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ जिसका वैल्यू कितना होगा 10 ओम का। ये चीज़ें क्लियर, मतलब कि जब अभी मेरे पास जब 2, 2, 4 और 1, 5 रेजिस्टेंस थे, अब रेजिस्टेंस की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि मैं इन दोनों को एक से रिप्लेस करूंगा और इन दोनों को एक से रिप्लेस करूंगा, अभी इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। तो मैं फिर से इस सर्किट को रिड्रॉ करूंगा, देखिएगा ध्यान से। ऊपर वाले का वैल्यू 5 ओम, इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस आएगा ना, तो वो कितने का है 5 ओम का, ये 30 ओम को 30 ओम रहने दीजिए, और अगला क्या होगा 10 ओम, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ ए और बी। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर से I करंट फ्लो कर रहा है, I यहाँ आने के बाद I1, I2, I3। इस फिगर को देख के शायद आपको पीछे का लेक्चर याद अगर आ रहा हो तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो और उनका वैल्यू कुछ भी गिवेन हो, तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो सबसे छोटे वाले वैल्यू से भी छोटा होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये तीनों किस में है, ये तीनों आपका पैरेलल में दिख रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का सबसे छोटा वैल्यू क्या है 5 ओम। तो मेरे पास जो R इक्विवेलेंट आने वाला है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि वो 5 से भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये पैरेलल में ऐसा होता है कि जो आपका R इक्विवेलेंट आने वाला है उसका वैल्यू लीस्ट वैल्यू से भी कम होगा। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तीन रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, R1 R2 R3 बाई R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। अब इसको मान लो ना, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए तो 30 × 5 × 10 डिवाइडेड बाई
थर्टी इंटू फाइव प्लस आर वन, इसको ऐसे कर लेता हूँ, फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, तो फाइव इंटू थर्टी इंटू टेन प्लस आर वन आर थ्री है, आर वन आर थ्री फाइव इंटू टेन प्लस नेक्स्ट है आर वन आर टू, तो थर्टी इंटू फाइव। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर को किया तो आया 1500, नीचे का 300 प्लस 50 प्लस 150, तो ये आ जाएगा आपका 1500 बाई 500, कैंसिल, आपका R इक्विवेलेंट क्या आ गया, आपका R इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम। मैंने पहले भी कहा था कि जो R इक्विवेलेंट आएगा वो इस तीनों के कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे भी कम आएगा, और यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू क्या था 5 ओम, तो उससे कम मुझे R इक्विवेलेंट के जगह पे क्या मिल गया, ये मिल गया 3 ओम। आप चाहें तो, अगर जिसको यह फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि वो कब इन दोनों को पहले कंसीडर कर ले, इन दोनों को पैरेलल में कंसीडर करे और इसको सॉल्व करे, फिर जो उसका वैल्यू आ रहा है उसको इसके साथ पैरेलल में कर दे और यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर वन है ए एंड बी, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ए एंड सी। तो सबसे पहले ए एंड बी को देख लेते हैं। मुझे क्या करना है कि इस ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम मैंने पहले ही बता रखा है कि आप एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दीजिए, कर दिया मैंने, यहाँ से करंट आई चला, यहाँ करंट आई, ध्यान से, यहाँ आने के बाद करंट बट गया I1 और I2 में, I1 यहाँ से आया और यहाँ इंटर कर गया, तो I1 का फर्दर कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है। I2 यहाँ पे I2 चला चला यहाँ आया, फिर यहाँ भी क्या इंटर कर गया I2, फिर यहाँ भी क्या इंटर कर गया I2, फिर यहाँ I2, और फिर यहाँ पे क्या इंटर कर गया I2, और मुझे आउटपुट में क्या मिल गया I, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद I ही तो डिवाइड हुआ था ना I1 और I2 में, और जब दोनों यहाँ आके मिलेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो इन किया था वो आउट हो गया। क्लियर। अब देखिए I2 ये तीनों करंट क्या है, सेम है, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट और इसमें भी करंट, तीनों में करंट क्या है, सेम है। तो जब करंट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है वो किस में होगा, वो पैरेलल में, वो सीरीज में होगा। तो मुझे इन तीनों को अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इन तीनों को ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो होगा 6 ओम। तो अब मैं फिर से इस फिगर को रीड्रॉ कर लेता हूँ, और यहीं से एक और, ये आपका हो गया 6 ओम का, ये आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी और पॉइंट सी, और वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अभी भी लगा दिया मैंने। चलिए अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, फिगर देख के क्या फील हो रहा है, फिगर देख के फील हो रहा है मुझे कि ये दोनों किस में है, अभी भी पैरेलल में है, क्योंकि अगर यहाँ से आई करंट चलेगा, यहाँ पे आई है तो यहाँ आने के बाद करंट डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 के फॉर्म में। अब ये दोनों का दोनों क्या है, पैरेलल में है, और सीरीज़ भी कुछ हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है, और यहाँ पे देखने के बाद मुझे, मैं यहाँ पे बहुत आसानी से अपना R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और दो रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। और ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जब दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका जो R इक्विवेलेंट आने वाला है वो 2 से भी कम आने वाला है। ये चीज़ पहले भी क्लियर हो चुका है आपको,
आप देख लीजिए यहाँ पे फिर 6 इंटू 2 बाई 6 प्लस 2 12 बाई 8 कितना आएगा 1.5। तो R इक्विवेलेंट हमारा आ गया AB के पास। हमने पहले AB निकाला है तो हमारा AB के पास जो R इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया 1.5। पहला पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं और सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आपको R इक्विवेलेंट निकालना है किनके बीच, तो A और C के बीच में। तो उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मुझे अब ए और सी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा। मुझे ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा। तो देखिए ये रहा पॉइंट सी, यहाँ पे मैंने बैटरी एक कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ से करंट चलेगा आई, यहाँ पे इंटर किया आई, और जैसे ही इस जंक्शन पे आएगा, इस नोड पे आएगा, करंट बट जाएगा। फिर कुछ पार्ट इधर चला जाएगा आई वन और कुछ पार्ट इधर चला जाएगा आई टू। अब देखिए आई वन यहाँ चला तो यहाँ पे क्या इंटर करेगा, यहाँ पे इंटर करेगा आई वन। तो ये दोनों किस में हो गया, इस बार ये दोनों जो है वो सीरीज में हो गया, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या है, सेम है। और यहाँ भी तो करंट का डिवीज़न हुआ था ना, तो I2 का कुछ करंट, कुछ I का पार्ट यहाँ भी तो आया है, तो जो यहाँ पे आया है वही कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। मतलब कि इन दोनों के पास भी करंट क्या है, सेम है। और जब करंट सेम है तो रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो ये दोनों भी किस में हो गया, ये दोनों भी सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, 2 और 2 4 ओम का निकलेगा। अब देखिएगा इसको मैं ऐसे रिड्रॉ कर देता हूं, ये आपका हो गया 4 ओम और यहां से एक और निकल जाएगा, उसका ये वैल्यू क्या होगा 4 ओम का, इसका भी वैल्यू है। अब देखिए इस सर्किट का को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इसमें अब इन दोनों के जगह पे एक रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम का, और इन दोनों के जगह पे एक रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम का। अब फिर से अगर हम करंट को देखते हैं, अगर करंट यहाँ से चला आई, यहाँ आने के बाद फिर करंट आई वन और आई टू में बट गया, मतलब कि ये दोनों भी अब किस में है, ये दोनों किस में है, अब पैरेलल में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में है, तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। फॉर्मूला आपको याद है, आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 बाई 4 प्लस 4 16/8, तो आपको मिल गया 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया हमारा 2 ओम। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो गिवन रेजिस्टेंस में जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा उससे कम होगा। और यहाँ पे दोनों का वैल्यू तो सेम था, 4 ओम और 4 ओम, तो कहीं ना कहीं R इक्विवेलेंट इन दोनों से भी कम आना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे आया है 2 ओम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पे और यहाँ के बीच का वो आर इक्विवेलेंट पूछा है। तो सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से करंट आई ड्रॉ होगा, यहाँ तक आई आएगा और फिर यहाँ से क्या होगा, करंट डिवाइड I1, I2 और ये I3, देखिए क्लियर है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो अब देखना क्या होगा, यहाँ पे I2 करंट यहाँ से चला, इस वाले में क्या आया I2, फिर यहाँ पे क्या आया I2, मतलब इन दोनों में क्या है, सेम करंट है।
ये दोनों किस में हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा सीरीज में। तो इन दोनों को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मुझे इन दोनों के जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना होगा जिसका वैल्यू क्या है 5 ओम। ठीक है, यहाँ देखिए I1 यहाँ पे इंटर किया और जाके यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे जरा I3 के पास, तो यहाँ पे I3 करंट इंटर किया, इन किया और I3 आउट कर गया। फिर यहाँ पे भी क्या इन किया, I3 और आउट क्या करेगा I3। मतलब कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों भी क्या है सीरीज में है, और मुझे इन दोनों को अगर रिप्लेस करना होगा तो मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना होगा इन दोनों के जगह पर जिसका वैल्यू भी क्या होगा 5 ओम। तो मैं इस सर्किट को फिर से रिड्रॉ कर दूं। अभी भी करंट, अभी भी यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, तो मैं इसको सिंपल, अब यहाँ से सिंपल कर देता हूँ इस फिगर को। एक्स वाई ये 5 ओम, ये आपका 1 ओम और ये फिर आपका 5 ओम, और यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। अब इस फिगर को देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि फिर से यहाँ पे अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, I1 I2 I3। करंट का डिवीज़न तो होगा ना, पैरेलल है तो। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है तीन रेजिस्टेंस का अगर तीनों सीर पैरेलल में हो तो। तो फिर से वही फॉर्मूला R1 R2 R3 बाई R1 बाई R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। मान लो इसको ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 × 5 × 1 बाई R2 R3 1 × 5 प्लस R2 R3 है ना 1 × 5, ठीक है, प्लस R1 R3 5 × 5 प्लस R1 और R2 तो 5 × 1। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 25 बाई 5 प्लस 25 प्लस 5, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 बाई 35। आप इसको सॉल्व कीजिए, 0.71। आपका यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, 0.71, ये आपका आ गया R इक्विवेलेंट, आपका 7 ओम। क्लियर है, तीनों पैरेलल में है और तीनों में सबसे छोटा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 1 ओम है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1 ओम से भी कम आना चाहिए, तो हमारा क्या आया 0.71। ये चीज़ क्लियर। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल जो कि हम लोगों ने किया सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे इलेक्ट्रिक पावर और उसके आगे का टॉपिक। तो अगर आपको ये सब चीज़ क्लियर हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको फर्दर कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।